सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम हिमालय कंपनी के इस बोनीसान सिरप के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक 100 ml की पैकिंग है बोनीसान की, जिसको मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा बहुत क्यूट सा बच्चा इन्होंने बना रखा है। और ये तो बहरहाल बात करते हैं इस मेडिसिन की सबसे पहले फॉर्मूलेशन के बारे में कि इसमें किन किन जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर जो मुख्य हर्ब्स मिलाई गई हैं वो जंगली अजवाइन इसके अंदर मिलाई गई है, जिसको अजमोदा बोलते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें जो मिलाया गया है वो छोटी इलायची मिलाई गई है। और तीसरे नंबर पर इसमें जो मिलाई गई है छोटी पीपल अर्थात पिपली मिलाई गई है, जिसके बारे में इन्होंने इनको यहाँ पर मेनली हाईलाइटेड किया हुआ है। कि इसका पूरा फॉर्मुलेशन इन्होंने यहाँ पर बहुत बारीक बारीक अक्षरों में इस साइड दिया हुआ है, जिसको पढ़ने से हमें मालूम होता है कि इसमें हरड़, आंवला के अलावा गिलोय आदि, नागर मोथा, इस तरह की लगभग 15-20 हर्ब्स इन्होंने मिलाई है। और एक तरीके से घुटी के रूप में इस प्रोडक्ट का यूज़ जो है बच्चों के लिए किया जाता है। बेसिकली इन्होंने इसको सिरप लिखा है, लिक्विड लिखा है, लेकिन घुटी के तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं इससे मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। तो इसके जो मेन फ़ायदे होते हैं वो ये रहते हैं कि अक्सर आमतौर पर छोटा बच्चा जो होता है, नवजात शिशु है, वो दूध पलटते हैं, पेट उनका बहुत ज़्यादा चलता है, तो इस दशाओं में उनको ये दिया जा सकता है बच्चों की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनको जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी इस बोनीसान सिरप का यूज़ किया जा सकता है। और ओवरऑल यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करे, तो बोनीसान सिरप डेफिनेटली एक चॉइस के तौर पर आप अपने पास में नोट करके लिख सकते हैं कि यह बच्चे को सेवन कराना है। बात करते हैं इसकी सेवन विधि के बारे में, उसके बाद में आपको इसके कुछ और विशेष फायदे भी बताऊँगा। इसकी जो सेवन विधि है वो कंपनी ने जो पैकेट के ऊपर रिकमेंडेड किया हुआ है कि जो एक महीने तक का बच्चा है उसको लगभग 2.5 ml की मात्रा में यह बोनीसान सिरप दिया जाना चाहिए। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में यदि आप बच्चे को दे रहे हैं तो उसको सिंगल डोज में ना दें, उसको आधा आधा ml की डोज में ड्रॉपर में लेकर के और उसके मुंह पर थोड़ा थोड़ा चिपकाते रहें कि एक एक बूंद करके वो उसको पीता रहेगा। इकट्ठा 2.5 ml अगर आप बच्चे के मुंह में डालेंगे तो बच्चे को थोड़ा फंदा लग सकता है, दिक्कत क्रिएट हो सकती है। उसके बाद में जो बच्चा बड़ा है एक महीने से लेकर के और लगभग 6 महीने तक का बच्चा है, उसको 5 ml की डोज में कंपनी रिकमेंड करती है देने के लिए। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा डोज आप स्टार्टिंग में कम रखिए। उसी तरह जो 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चे हैं उनको 10 ml की मात्रा में कंपनी देने के लिए लिखती है, लेकिन वहाँ पर आप अधिकतम डोज को 5 से लेकर 6 ml तक रखिए, उतना ही अच्छा रिजल्ट ये देती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फायदा नहीं मिल रहा है तो आप इसकी डोज को बढ़ा लीजिए, अधिकतम 10 ml की मात्रा में एक बार में देना है, 5-6 ml की मात्रा में देने से काम चल जाता है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इस लिक्विड को बच्चे को सेवन करा रहे हैं तो उससे आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में आप कुछ ना दें। और बच्चा यदि छोटा है 6 महीने तक का तो उसको इस गुट्टी को पिलाने के बाद भी थोड़ा सा कंधे से लगा करके आप थपकी जरूर दे दीजिए, और जब वो रिलैक्स हो जाए उसके बाद ही डकार आ जाए, उसके बाद ही आप उसको लिटाएं। बात करते हैं इसके एक दो विशेष फायदों के बारे में। आमतौर पर बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा चलता है, जो लगभग 1-1.5 साल तक के बच्चे होते हैं उनके साथ में दिक्कत यह रहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दिन में 6-8 बार तक पोटी कर दें, और ऐसा भी हो सकता है कि वो 7-8 दिन में एक बार पोटी करें। दोनों ही कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी बच्चे को इससे फील होती रहती है कि बार बार यदि वो पोटी जाएगा तो उसको गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह थोड़ी तो फील होती ही है। इसी तरह से यदि 7-8 दिन में एक बार जा रहा है तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चा परेशान रहता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में यह बोनीसान सिरप हेल्प है, और इसके कारण बच्चे की जो पोटी करने की फ्रीक्वेंसी है वो पर डे 3 से लेकर के हर दूसरे तीसरे दिन तक आ जाती है। ऐसा काफी सारे बच्चों के साथ में एक्सपीरियंस देखा गया है। और दूसरी चीज़ यह है कि यह पाचन को बेहतर बनाता है, बच्चे की दूध पलटने की जो समस्या है वो इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। माता के दूध के साथ में भी और जो बच्चा ऊपर का दूध पी रहा है, दोनों ही तरह के बच्चों को यह दिया जा सकता है। बच्चे की भूख भी बढ़ाता है, खुराक पूरी लेता है दूध की, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो यह तो हुई इस मेडिसिन के कुछ फायदों के बारे में बात, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात और इसकी कुछ सावधानियों के बारे में बात। बच्चे को इसे पिला करके इस कार्टून में ही रखिए, उससे पहले ढक्कन को अच्छी तरह साफ कर दीजिए क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी ना लगे, चीटियाँ वगैरह ना लगें, यह रहता है। और आखिर में बात हम करते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में। जैसा कि 100 ml का यह है बोतल है, इस 100 ml के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है कंपनी ने 45 rupees। बोतल थोड़ी सी पुरानी है मेरे पास में, लगभग 1.5 साल पुरानी है, एक्सपायरी डेट इसकी 3 साल होती है, तो हो सकता है समय के साथ में इसके कुछ रेट 4-5 रुपये बढ़